ખટિયા ગામ પાસે 4600 વર્ષ જૂનું કબ્રસ્તાન મળ્યું. યુનિવર્સિટી ઓફ કેરાલાનું સંશોધન ચાલુ. મારું નામ જયપાલસિંહ જાડેજા છે. કચ્છ યુનિવર્સિટીથી અમે 6 વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં અહીંયા કામ ચાલુ છે ખટિયામાં, અને કેરલા યુનિવર્સિટીથી 25 વિદ્યાર્થી અને એમની ડિરેક્શનમાં રાજેશ એસવી અને અભયન સરના ડિરેક્શનમાં અહીંયા ખોદકામ ચાલુ છે. 2016માં જ્યારે અહીંયા અમે એક્સપ્લોરેશન માટે આવ્યા ત્યારે નારાયણભાઈ ગામના સરપંચ છે એમને અમને આ સાઇટ બતાડી હતી, અને 2019માં જ્યારે અમે અહીંયા ખોદકામ કર્યું તો એ જે ખોદકામની જગ્યા હતી તો ત્યાંથી ઘણા બધા માટીના વાસણ કબર સાથે હાડપિંજર પણ મળેલું છે. અને જે આ જે અત્યારની જગ્યાએ ખોદકામ છે તેનાથી 100 મીટર દૂરની બાજુ ત્યાં ખોદકામ ચાલુ હતું, અને એ ખોદકામ જે હતું તો એ કબરની અંદરનું જે દિશા હતી તો કબરની દિશામાં એવું હતું કે એ પૂર્વથી કરીને પશ્ચિમ બાજુની દિશામાં પશ્ચિમની બાજુની દિશામાં હતું, અને જ્યારે હાલમાં જે અત્યારે જે ખોદકામ ચાલુ છે એનું ઉત્તરથી દક્ષિણ દિશાની બાજુમાં કબરની ડિરેક્શન છે. અને માટીના વાસણો મળે છે, એની સાથે હાડપિંજરના હાથમાં બંગડી પણ મળે છે અને પથ્થરની પતરીઓ પણ મળે છે. અને આ સભ્યતા એવું છે કે સિંધુ સંસ્કૃતિના પ્રારંભિક કાળની સભ્યતા હોવી જોઈએ, અને આજે જે આખો કબરનો એરિયા હોવો જોઈએ એવું માનવામાં આવે છે. અને ઘણા બધા અહીંયાથી વાસણ મળ્યા છે, એની સાથે શંખની બંગડી મળી છે, એક સાથે 16 શંખની બંગડી મળી છે જેની અને બીજા ડાબા હાથમાં જ્યારે 3 બંગડી મળી છે, મોતીના મણકા પણ મળેલા છે, પથ્થરના મણકા મળેલા છે અહીંયાથી. અને અહીંયા જે અત્યારે જે હાડપિંજર નીકળશે તો એનું DNA સ્ટડી કરવામાં આવશે, એના ઉપરથી એ સમયના લોકો વિશે વધુ પણ અભ્યાસ થઈ શકશે, એની સાથે જીઓ આર્કિયોલોજીનો અભ્યાસ પણ અહીંયા ચાલુ છે. અને આ ખોદકામ હજી 25 માર્ચ સુધી અહીંયા ચાલુ રહેશે. केरला यूनिवर्सिटी 2016 में इस साइट को ढूंढा है. इधर का सरपंच नारायण भाई जाजानी के मदद से और जूना खटिया में हमने 2019 में एक्सकर्शन काम शुरू किया. इसका ASI का परमिशन भी है और केरला यूनिवर्सिटी को एक्सकर्शन में हमने 28 कबरें खोदा है. उस कबरे में हमें हट पिंजरे और पोट्री देन शेल बैंगल्स बीट्स ये सब मिला हुआ है. उस समय बहुत सारे कुछ ना कुछ खबर में 19 पोटरी तक मिला हुआ है और उसका सबका डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में था और सबसे लंबा खबर का लंबाई 9-7 मीटर तक था. और इस साल हमने उस गए साल से खोदा उस एरिया से 100 मीटर दूर में खोज रहा है. इधर हमारा मिला हुआ है स्केल्टन्स ये बरील्स का लंबाई 2.5 मीटर है और सब उत्तर दक्षिण दिशा में है. और इस साल मिला हुआ बर्तने और उसमें से उसके साथ मिला बर्तने सब अलग दिख रहा है. और मिला हुआ हाडपिंजरों में बहुत सारा शंका चूड़ियाँ है. एक में लेफ्ट हैंड में 16 चूड़ियाँ हैं, दूसरे में 3 चूड़ियाँ हैं. आज अभी इस क्वेश्चन में एक शेल बैंगल मिला है, उसका तो साइज बहुत ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा चौड़ाई का है. और उसमें हमारे इस साइड का काम मार्च 20 तक चलने वाला है. इसमें कच्ची यूनिवर्सिटी वाला भी केरला यूनिवर्सिटी के साथ शामिल है और दूसरा इधर इस गांव का 32 लोग भी हमारे साथ शामिल है. पिछले साल जब हमने उसके यहाँ पे खटिया में खुदाई चालू करी थी तो हमको पूरा कब्रिस्तान हमको मिला और उसके अंदर हमने करीबन 56 के करीब कब्रें खोदी और उसमें हमको जो अधिकतर कब्रें मिली वो सारी की सारी नॉर्थ साउथ की तरफ ओरिएंटेड थी. और उसमें कब्रों में हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स और पॉटरीज भी मिले. अब इस साल जो हमने अभी चालू किया है, हमने 17 फरवरी से ही एक्सकवेशन चालू किया अभी वहाँ पर. और ये जो एक्सकवेशन है इस बार हमको अलग अलग तरह की सारी कब्रें मिल रही हैं. ये थोड़ा ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ जो हमारा अभी का पिछले साल का एक्सकवेशन था उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ वाला एक्सकवेशन चालू किया है. और इसमें जो हमको कब्रें मिली हैं वो उनका ओरिएंटेशन सब अलग अलग है. कुछ हैं जो कि नॉर्थ साउथ ही हैं और कुछ हैं जो कि ईस्ट वेस्ट भी हैं. अब जो ईस्ट वेस्ट वाली हमें इस बार जो सबसे बड़ी स्ट्राइकिंग फीचर जो अभी इस बार मिला है हमको कि वो ईस्ट वेस्ट वाली जो कब्रें हैं उसके अंदर हमको जो कब्र थी उसके अंदर उसके हाथ में हमको बैंगल्स शेल बैंगल्स जो कि शेल्स जो थे वो मेरे ख्याल से हमको आजू बाजू के एरिया में जहाँ पे हमको फॉसिल्स मिलते हैं वहाँ से उठा कर लेकर आए और उनका उन्होंने बैंगल्स बनाए हैं. और वो एक हाथ में हमको जो राइट हैंड है उसमें करीबन 16 बैंगल्स हैं और लेफ्ट हैंड में 3 बैंगल्स हैं तो ऐसा कहा जा सकता है. और साथ में हमको उसमें वेसल्स मतलब पॉटरीज भी मिली हैं. अब वो पॉटरीज भी अलग अलग तरीके की हैं. कुछ पॉटरीज ऐसी हैं जिसके अंदर उन्होंने ग्रेन्स रखे हुए होंगे
कुछ ऐसी हैं जो कि पानी के लिए थी, कुछ डिशेस और सॉसेस भी रखे हुए हैं। तो हो सकता है कि ऐसा हमारा अनुमान है, अभी अभी आगे काम चालू है, लेकिन अभी ऐसा है अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग अपने जो भी लोग जिनका अवसान हुआ है, जो मरे हैं, तो उनको फुल अच्छे तरीके से उनको दफनाया करते थे, और दफनाने के साथ में उनके खाने पीने का थोड़ा बहुत व्यवस्था वहाँ पर पानी खाना और वो भी रखते थे, और ये लोगों को अच्छे से तैयार करके उस समय का जो भी उनका कल्चर होता होगा तो उसके हिसाब से उनको तैयार करके उनको फिर कब्रों में रखा करते थे। अभी जो एक्सकवेशन है वो चालू ही है, तो हम और भी स्ट्राइकिंग फीचर्स हमको मिल सकते हैं। और हमारे साथ में अभी दूसरे जो एसोसिएटेड साइंटिस्ट हैं वो भी अभी इस उन सबको देखेंगे। तो हम लोग बेसिकली इस बार उसमें पॉटरीज की स्टडी, ये जो हमारे पास में बोन्स मिल रहे हैं उनकी स्टडीज, इनफैक्ट इस बार हम उनका जेनेटिक्स का भी, जेनेटिक्स के ऊपर भी काम करना चाहेंगे कि इनका जेनेटिक ओरिजिन कौन सा है, ये कहाँ से आए, वेदर ये इनका जेनेटिक्स, इनका लीनिएज कहाँ से है, वेदर दे आर यूरोपियंस और दे आर इंडियंस या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आए हैं, कहाँ से आए हैं, तो वो उनके जेनेटिक्स के ऊपर से मिलेगा। तो टेक्सास यूनिवर्सिटी से कुछ साइंटिस्ट आने वाले हैं हमारे, टेक्सास यूएसए से, JNU से भी आएंगे अभी साइंटिस्ट, धारवाड़ यूनिवर्सिटी से भी साइंटिस्ट आएंगे, और MS यूनिवर्सिटी और से भी साइंटिस्ट आने वाले हैं। बाकी केरला यूनिवर्सिटी और कच्छ यूनिवर्सिटी तो साथ में काम कर ही रहे हैं, जिसमें केरला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अभियन और डॉक्टर हेड डॉक्टर राजेश है, और कच्छ यूनिवर्सिटी से हमारे कच्छ यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट में से डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस है, जो कि उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हम लोग इस बार उसके अंदर सेडिमेंट्स के साथ साथ सेडिमेंट्स की जियो केमिस्ट्री भी करेंगे कि उनके उस समय का क्या क्लाइमेट था वहाँ पर, उन ये लोग जब रहा करते थे तो उस समय का मौसम, उस समय की बारिश, उस समय का किस तरह का आबो हवा किस तरह की थी, वो चीज़ें हम पता करेंगे। हम लोग उनका पर्टिकुलर एज क्या है, ये जब कब मरे उसका एग्जैक्ट डेट क्या है, उसके भी पता करने की कोशिश करेंगे। तो इन टोटल हम पूरा उस एरिया का क्या हिस्ट्री था, क्योंकि हमको पता है कि ध्वजागढ़ करके एक जगह है वहाँ, ये इसके पास में ही है ध्वजागढ़ करके है, और भी दो तीन साइट्स हैं जो कि इसके आजू बाजू में ही है, तो हम वहाँ से भी सैंपलिंग करने की कोशिश मतलब उनको एरिया को लोकेट करके कि अलग अलग जगहों से यहाँ पे ये बहुत बड़ा मास बरियल साइट है, तो ये जितने भी आजू बाजू के जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं इन सब साइट्स को इकट्ठा करके हम लोग, और साथ में ये बरियल, इन सब को इकट्ठा करके हम यहाँ का टोटल एनवायरमेंटल हिस्ट्री, ये लोगों की किस तरह का कल्चर था और क्या था, कैसे रहते थे, वो सब पता करने की कोशिश करने वाले हैं। लाइक इट इज़ समथिंग बिटवीन 4,600 to 5,000 ईयर्स के अंतराल के बीच का कुछ एज होना चाहिए, जो कि लेट हरप्पन के अंदर आता है इन सब आर्टिफैक्ट्स का, और जो बोन्स हैं और सब जो पॉटरीज हैं उन सब से हम अंदाजन कह सकते हैं। एग्जैक्ट तो अभी हम उसके ऊपर AMS डेट करके एक होता है, एक हमारा ल्यूमिनेसेंस क्रोनोलॉजी होता है, एक थर्मोल्यूमिनेसेंस होता है, ये सब करके हम उसका एग्जैक्ट डेट इस पर जो है उनका निकालने की करेंगे, पर अंदाजन उसका एज अभी हम बता सकते हैं कि समथिंग बिटवीन 4,000 to 4,600 ईयर्स पुरानी है ये। ये काम अभी करीबन 20th मार्च तक हम चालू रखेंगे, और अभी आज की तारीख में केरला यूनिवर्सिटी के करीबन 15 से 20 बच्चे और कच्छ यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के 6 बच्चे और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस के 4 बच्चे उसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी।